gentlemen to Godrej Professional. Can we have a huge round of applause for yourselves? Hi. So, सबसे पहले गोदरेज प्रोफेशनल्स जो आज के इवेंट प्रोफेशनल ब्यूटी इंडिया की कलर पार्टनर है उनके बारे में कुछ जानते हैं. तो गोदरेज प्रोफेशनल एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो गोदरेज ग्रुप के अंदर आता है और हमारा मोटो रिजल्ट डिलीवर्ड ऑलवेज सिर्फ एक लाइन ही नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है आप सबके लिए. तो गोदरेज प्रोफेशनल 7 साल पुराना प्रोफेशनल ब्रांड है जो कलर, टेक्सचर, स्टाइलिंग और फोकस में फोकस करता है. गोदरेज प्रोफेशनल्स देश भर के सैलोन्स में काफ़ी ही पॉपुलर है और काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट भी गोदरेज प्रोफेशनल के ब्रांड इस्तेमाल करते हैं. तो आप सब भी इस्तेमाल करते हो क्या? एग्जैक्टली उन्होंने कहा इंडिया का सबसे पहला कलर भी गोदरेज है, तो उस बात के लिए गोदरेज के लिए एक तालियां हो जाए. जैसे मैंने आपसे कहा कि देश भर के स्टाइलिस्ट ये ब्रांड पे भरोसा रखते हैं, तो दो तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है. आई एम श्योर इस इवेंट के बाद आप सारे भी बहुत ज़्यादा और भरोसा करेंगे. और आइए देखते हैं कि कैसे गोदरेज प्रोफेशनल के प्रोडक्ट्स ने इतने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं. तो आइए हम सब एक साथ इस ब्रांड का एक्सेप्शनल जर्नी देखते हैं. सो कैन वी हैव द एवी प्लीज. कैसे गोदरेज की इस जर्नी ने कितनी खूबसूरती से देश के इतने सारे हेयर स्टाइलिस्ट को हेल्प किया है. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. तो आप में से सभी को सरप्राइज पसंद है? लगता तो नहीं है आप सब इतने डेड हो रहे. सिर्फ एक ही को पसंद है. आप सबको सरप्राइजेस पसंद है? That's fabulous. So one of the हमारा एक surprise जो आपके लिए है वो है हमारी celebrity showstopper. कौन है वो? सुनाई नहीं दे रहा है कौन है वो? सिर्फ एक ही ने बताया और सब yes. तो हमारी celebrity showstopper सानिया मल्होत्रा है यहाँ पे जो आपको आप सबको actually you know मिलना चाहेगी और आप सबको उसको देख के भी मजा आएगा. पर उससे पहले आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए. कैन यू हियर मी नाउ? ओके. सो ये कहते हैं कि जिंदगी में हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. तो आप सब यही मानते हैं कि आपको सीखना जरूरी है या फिर आपको जो आता है वो बस हो गया? तो आप सब यहाँ पे सीखने आए हैं? फैबुलस. सो यही क्योंकि हर एक हेयर स्टाइलिस्ट को अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए नए टेक्निक्स को सीखना जरूरी है. राइट? एब्सोल्युटली. और वही सोचकर हम यहाँ पे आए हैं आप सबको कटिंग, कलरिंग और स्टाइलिंग की नई नई टेक्निक्स सिखाने के बारे में. और गोदरेज का ये जो डायमेंशन कलेक्शन है वो उसी के बारे में है. सो हमारा जो डायमेंशन ओमराज कलेक्शन है वो सबकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता है और इस कलेक्शन में हमारा एम है इंक्लूसिविटी. ओके. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा कलेक्शन है डायमेंशन कलेक्शन बाय गोदरेज प्रोफेशनल और हमारा कलेक्शन का सबसे बड़ा यू नो द मेन एम इज बेसिकली टू सेलिब्रेट द इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस एंड इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी. सो इसमें इट हम हर किसी को शामिल करते हैं, हर किसी को सुंदर बनाने के लिए सेलिब्रेशन है ये ऑल टुगेदर.
तो आज हम सब डायमेंशन के साथ अपनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स खुद ही बनाएंगे। क्या हम रेडी है अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को खुद डिफाइन करने के लिए? सिर्फ यही रेडी है और कोई रेडी नहीं है? आप अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को खुद डिफाइन करना चाहते हो? यस, एब्सोल्युटली। तो आइए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारे गोदरेज प्रोफेशनल्स के हेयर एक्सपर्ट्स को। सो प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए मिस्टर शैलेश मोल्या, टेक्निकल हेड गोदरेज प्रोफेशनल, मिस्टर नजीब उर रहमान, टेक्निकल एम्बेसडर गोदरेज प्रोफेशनल। कैन वी हैव मिस्टर नजीब उर रहमान? Yes, he is here. And let's welcome Miss Sylvia Chen, Technical Ambassador, Godrej Professional. All the time. So fast. Miss Sylvia. Hi, Sylvia. Yeah, let's have a huge round of applause for her. Yeah, I like that. Check. Namaste, let's Mumbai. Kaise ho aap? Now let's welcome. How are you feeling? Sorry, I just want to. There you go. I like that, guys. Keep it going. CT bajate rehna. Yeah. Oh, Farida Shal Rashi. Thank you. Wow, kya zabardast crowd hai. Amazing, right? Superb. Jitna zyada taaliyan, jitna zyada CTs, usse zabardast show. Right, Shailesh? Najib? All right, guys. Absolutely, absolutely. Okay, in sab ke saath now I also would like to invite Mr. Anuj Ujjain, Regional Technical Manager, Godrej Professionals. Oh yeah, let's have a huge round of applause for all of them. Can we be a little louder? Thank you so much. There you go. All the time, right? Zada CDA, utna hi super hit show. Thank you so much. You've been a lovely audience. So ab main actually Sylvia ji se puchna chahungi. Sylvia. Yes. Hi, sorry. I'm sorry. I know she's so excited. I'm so sorry. Yeah, very excited. I love the crowd, the energy, and it's amazing, guys. Yes. Over to you. Yeah. So I wanted to ask you if you can really share about the coloring technique of ombrage with all of us. Yes, absolutely. I would love to. Please go ahead. In very few lines, because we're having a lots of demo, lots of exciting demo happening for you. So ombrage collection, it's a basically a blend of two very popular but yet different technique, jo hum saalon se karte aaye hai. वो है ओम्ब्रे और बलेयाज। हमने अब ये कलेक्शन में हमने दोनों को मिला दिया है एंड वी कॉल इट आवर ओम्ब्रेयाज कलेक्शन। सो गाइज, इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैव वन हेयर ड्रेसर टू अनदर हेयर ड्रेसर, या ऑल हेयर ड्रेसर्स, या देयर यू गो। सो वी हैव केप्ट दिस टेक्निक वेरी टू मेक इट वेरी सिंपल, क्विक, ब्लेंडेड एंड येट सीमलेस, येट वेरिएबल फॉर एनी क्लाइंट एंड एवरी क्लाइंट। कैन आई टेल यू गाइज वन थिंग? दिस टेक्निक आई प्रोमिस यू विल वर्क ऑन ऑल हेयर टेक्सचर्स and all hair types. Isn't that amazing? Yeah. Superb. Taaliyan ho jaye. Oh my ring. Oh, it's Sylvia. Okay. We'll lose. It doesn't matter. You lost something. I lost my ring, but it's not gold, so it's okay. Thank you. So on that note, guys, stay with us. Don't go anywhere. Picture abhi baki hai. And I will be back on stage to bring. I'll bring my model. But over to Shailesh and Najib. Yes. They're superstars. See you guys. Thank you so much, Sylvia. Let's hear a huge round of applause for her and for all the stylists here. Thank you. So now we will have a demonstration for all of you. I would request all our models to come on the stage and the Godrej Expert Hair team as well. So can we have a huge round of applause for all the models who are here? For you to, so that they can demonstrate and you can learn from the beautiful hair techniques. Okay, guys, how are you? Have all of you had your lunch? Khana khaya? Mujhe nahi lagta hai khaya hai, log ne khana. Sona nahi, idhar dhyan dena hai. Okay. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon. Yes. So aaj I'm going to show a hairdo, a quick one, open style. Okay? And Najib here is going to show you a haircut, an interesting commercial haircut, and I'm going to show you a commercial hairdo which you can use it in your bridal, in your salon, wherever you feel like. Okay, and then we have Anuj as well. Yes.
यस सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो अभी सिल्विया ने बात करी हमारी डायमेंशन ओम्ब्रियाज कलेक्शन की, जो हम सेक्शनिंग एंड पैटर्न करने वाले हैं, जो हमने एक डॉल हेड पे ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्योंकि सेक्शनिंग एंड पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कलरिंग के लिए या जो भी हम हेड ड्रेसिंग में करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यस ओके, सो कट वाइज अगर आप देखोगे, मैंने एक सेक्शन ऊपर बनाया, थोड़ा जिगजैग लिया है। जिगजैग का एक थोड़ा जो बेनिफिट रहता है वो ये है कि ब्लेंडिंग ईजी हो जाती है थोड़ा सा, और बाकी के ये चार सेक्शंस हैं अगर आप देखिएगा तो। और आजकल बहुत लोग जो हैं वो अपना बाल जो है फ्रंट से कटवाते हैं, चाहे वो बैंग्स हैं, चाहे वो कर्टन बैंग्स हैं या कुछ भी है, तो उसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। सो दैट वुड बी पार्ट ऑफ द हेयर कट, दिस इज वॉट आई विल बी डूइंग। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड देन आई विल जस्ट ओपन दीज वंस फर्स्ट। यस शैलेश। ओके सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ सेंटर पार्टिंग और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। ये दो छोटा सा सेक्शन है दोनों साइड। अभी आपका मोस्टली जो आपके ब्राइड्स है या क्लाइंट्स है, सब लोगों को फेस लिफ्ट चाहिए होता है, राइट? सब लोगों को फेस लिफ्ट चाहिए होता है, तो ये जो दो सेक्शन है इसको हमने ऐसे लिया हुआ है और इधर हम टाइट बांधने वाले हैं। इससे ऑटोमेटिकली उनका जो ये एरिया है ये लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? विदाउट डूइंग मेकअप यू कैन स्टिल डू दिस टेक्निक विद जस्ट हेयरडो। सो आई एम गोना डू दिस एंड देन आई एम गोना शो यू व्हाट एल्स आई एम गोना डू। आई एम गोना बैक कॉम दिस सेक्शन, ओके? एंड दिस सेक्शन इज गोना बी वेव्ड, हाफ वेव करके रखा हुआ है। इधर हम वेव करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट वेव्स करेंगे। या नजीब, ओवर टू यू। या सो अगर आप देखिएगा, यहाँ पे बाल ऑलरेडी छोटे हैं लेकिन थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपना पेरीमीटर लाइन पूरा रिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम ऊपर आएंगे। सो गाइस, हमने इस डॉल हेड को 6 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो फर्स्ट इज मनी पीस सेक्शन एंड टॉप ऑफ द सेक्शन जो मेरे एक डायमंड हमने अलग टाई किया है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ साइड्स बैक। सो हम एक एक सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किस लिए किया है, कोई बता सकता है? एनीवन, क्यों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जब भी हम सेक्शंस करते हैं? फॉर मर्जिंग, यस एब्सोल्यूटली, रिड्यूस द पैक, यस, एंड द राइट प्लेसमेंट ऑल्सो। कि जब भी हम सेक्शनिंग्स में काम करते हैं तो हमारा प्लेसमेंट एकदम सही रहता है। जो हम बात करने वाले ओम्ब्रियाज की, हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमने फॉइल प्लेस किया है वही हमने इन सेक्शन में बताया है। हमने एक मैनिक्यूर ऑलरेडी रेडी किया है कि हमने किस तरीके से फॉइल प्लेस करें, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेक्शनिंग को जानना, राइट? तो ये हमारे 6 सेक्शंस हैं। जब भी हम ओम्ब्रियाज कलर करेंगे हमारा सेक्शन सेम रहेगा। टोन्स ऑफकोर्स हम डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, बट सेक्शनिंग इज सेम। यस नजीब सर। ओके सो वर्टिकली जैसे मैंने काटा था, तो अब क्रॉस चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि अगर कुछ रह गया है तो उसमें वो आ जाएगा, और सब पॉइंट कट कर रहा हूँ। सो ये मैंने इसको हल्का सा ब्लेंड कर दिया है, सो यू कैन सी द डिफरेंस बोथ द साइड्स। जैसे ही आप इसको ब्लेंड करोगे, सो देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू अ नाइस पेरीमीटर लाइन। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही करूँगा, एंड देन लेट्स सी व्हाट शैलेश इज सेइंग। ओके सो हियर वेयर वी हैव प्रोसीडेड इज, ये सेक्शन आपको दिख रहा है नीचे से अंदर डाला हुआ है, उसको अंदर से टाइट करके रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, और इधर जो है ये हम इसको इधर एकदम फ्लैट कर स्प्रे मारकर इसको इधर क्लिप करने वाला हूँ। ये हाइड हो जाएगा, और जो स्प्रे जो मारा हुआ है एकदम वो हल्का सा मारा हुआ, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं मारा हुआ है। तो दिस विल गो हियर एंड सो इज द अदर साइड एज वेल। If there is any doubts or anything you guys wanna ask, yeah, feel free to ask. Yeah, raise your hands and we'll come back to you. तो जैसे ये वर्टिकल पूरा हो गया, उसके बाद में फिर आप इसी को ही आप उठा लीजिए, कोई भी हेयर कट हो, ऑब्वियसली उसमें आपने अगर वर्टिकल काट रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल चेक, और हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो वर्टिकल चेक करना इज योर क्रॉस चेकिंग। तो क्रॉस चेक करना है आपने पहले, ओके? यस अनुज। यस सर। सो गाइस, ये सेकंड मैनिक्यून जो हमने ऑलरेडी फॉइल को प्लेस किया है,
क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टाइलिस्ट का एक क्वेश्चन होता है, सेक्शनिंग तो बता दिया हमने, फॉइल प्लेस कैसे करना है, कब हम उसमें बालियाज के स्ट्रोक्स लगाएंगे या फिर कब हम वीविंग के, और क्या वो बैक टू बैक रहेगा या हम कुछ नेचुरल हेयर भी छोड़ सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस। तो हमने अगर बैक से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेक्शन हमारा वीविंग का रहेगा हमेशा, साइड्स एंड बैक, फर्स्ट सेक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद वीविंग। कोई बता सकता है क्यों हमने फर्स्ट सेक्शन स्लाइस के साथ या बालियाज पेंटिंग के साथ नहीं किया, क्यों हम वीविंग के साथ करें? यस मैम, यस, थैंक यू। एनीवन फॉर नाइस, ओके, वेरी गुड आंसर मैम का। और कोई? ज्यादा लाउड नहीं लगेगा, एब्सोल्युटली, कि जब भी हम वीविंग या स्लाइसिंग की बात करते हैं स्लाइसिंग ज्यादा लाउड दिखता है, और फर्स्ट सेक्शन अगर हम हर एक साइड का स्लाइसिंग रखेंगे और क्लाइंट जब भी घर में टाई करने वाली है तो एक बहुत बड़ा पैच दिखने वाला है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द वीविंग फर्स्ट, एंड वीविंग के बाद हम सेकेंड सेक्शन स्लाइसिंग ले सकते हैं। क्लाइंट चाहती है बहुत ज्यादा कलर दिखे तो हम बैक टू बैक करेंगे, अगर क्लाइंट चाहती है कि बहुत ज्यादा कलर नहीं, बीच में कुछ मुझे नेचुरल हेयर भी चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, वी लीव द फाइन सेक्शन, जस्ट थ्रेड लाइन सेक्शन इन बिटवीन स्लाइसिंग एंड वीविंग। तो हम एक पतला सेक्शन छोड़ देंगे वीविंग एंड स्लाइसिंग के बीच में और हम कंटिन्यू करेंगे। यस नजीब सर। अच्छा, तो अभी हम बैक में आएंगे, और बैक में आने के बाद डायगनल बैक सेक्शन आपने लेना है ताकि जो फ्रंट से हमारा पेरिमीटर लाइन आ रहा है उसको हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सो बैक से जस्ट टेक डायगनल बैक, अगर बाल पतले हैं तो एक बारी में भी चला जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे बाल अच्छे हैं, थिक हैं थोड़ा, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो या तीन, जैसे भी आपको ईजी लगे, सहूलियत हो, ऐसे आप कर सकते हो। चैलेंज, ओके, तो हमने जो किया हुआ है अभी देख रहे हो आप, ये दो सेक्शन हो गया, पहले वाला सेक्शन हमने टाई कर दिया, अब ये सेक्शन जो है इसको हम बैक कोम करें, दिख रहा है आप लोग को, पीछे करके दिखाओ, ये हमने बैक कोम करके रखा है और ये जो नीचे से टाई करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम फुल बैक कोम करके थोड़ा सा हाइट क्रिएट करेंगे। हाइट देखो, कभी भी आप हाइट क्रिएट करते हो तो ये किसी के लिए भी काम करता है, कोई भी ब्राइड या कोई भी इंसान अगर उसको हाइट क्रिएट करता हो तो उनका पर्सनैलिटी ऑलरेडी अच्छा लगने लगता है। सो हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू सी कि ये सिमेट्री रहे, कि आपका पूरा शेप एक सिमेट्री में है, ओके, नॉट कि एकदम अवानगार्ड हाइट क्रिएट किया, ब्राइडल के हिसाब से आप कम करो, अवानगार्ड के हिसाब से आप ज़्यादा बढ़ा दो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वॉन्ट टू वर्क। So, यहां पे I have a question for you. Yeah, अरे, of course. Because nobody from the audience is asking you question. I think you should answer or you should ask question. Yes, please. Okay, I want to know what is the section you are taken and why have you taken and what is the suitability? Now see, for any, because you know this is a collection, और किसी भी बालियाज में कलर को उठाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम रहना चाहिए और नीचे थोड़ा लेंथ रहना चाहिए, तो इस वजह से ये मीडियम और लॉन्गर लेंथ के लिए है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का बाल ऊपर से फ्लैट रहता है, तो उसको जब आप अलग कर लोगे तो यहाँ पे आप उसको और ज्यादा बाउंस दे सकते हो, गेटिंग पॉइंट। सो कभी कभी क्या होता है कि सारा बाल अच्छा है तो आपको सारा लेने की जरूरत नहीं है, खाली ऊपर वाला इस एग्जैक्ट सेक्शन निकाल लीजिए और जैसे हम ऊपर में अभी करेंगे खाली आप वो करके उसमें ब्लेंड कर दीजिए बस। सो ये जो सेक्शंस मैंने लिए हैं वो इसलिए भी लिए हैं बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों के बाल ऊपर से फ्लैट होते हैं और यहाँ से अपने को लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, चलिश, ओके, सो अनुज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस यस चलिश, आई वांट टू नो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल कलर यू डन ऑन माय मॉडल। सो देयर इज अ कलर कॉम्बिनेशन इन चलिश मॉडल, तो हमने रेड, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑबन ओम्ब्रेज, इस कलर की टेक्निक का नाम ओम्ब्रेज है, बट ओम्ब्रेज में इन डिफरेंट लुक्स हमने क्रिएट किए हैं, उसमें से एक लुक्स है ओबन ओम्ब्रेज जिसमें हेजल गोल्ड और रेड्स हमने इसमें कॉपर एंड रेड्स को ब्लेंड करके स्टोन्स में यूज किया है। सो 6.34 एंड हेजल गोल्ड का कॉम्बिनेशन हमने एक सेक्शन में लिया और एक सेक्शन में हमने ओनली हेजल गोल्ड के साथ अप्लाई किया।
हाईएस्ट। अगर हम नजीब सर के मॉडल भी देखते हैं तो इनको भी हमने ऑलरेडी प्री डन कलर किया है, जो कि विच इज ऑफकोर्स ओम्ब्रियाज कलेक्शन का एक लुक। इसका नाम है सैंडस्टोन ओम्ब्रियाज। और अगर आप गाइज ध्यान से देखेंगे दोनों मॉडल्स को, जो अगर आप उनका टॉप देख सकते हैं तो वो टॉप इट्स अ लिटिल बिट डार्क। तो जब भी हम ओम्ब्रियाज के बारे में बात करेंगे, इट्स अ डार्क टू लाइट कॉम्बिनेशन। ओके, सो डायमंड सेक्शन शुड बी डार्क और लेंथ में हम कलर के साथ दिखेंगे। इसलिए हमने इस मैनिक्यूर में भी अगर देखेंगे तो डायमंड सेक्शन में फॉइलिंग नहीं लगाई है, बिकॉज इस हम आपको ये लाइक पता होना चाहिए कि डायमंड सेक्शन में हम फॉइलिंग लगा रहे हैं, बट किस तरीके से डार्क दिखाना है। वो डार्क दिखाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम डार्कनेस खत्म कर देते हैं तो वो बालियाज बन जाएगा, वो ओम्ब्रियाज नहीं रहेगा। ओके, सो हम फॉइल जरूर प्लेस करेंगे बट वीविंग के साथ, और वो वीविंग का जो डिस्टेंस रहेगा कम से कम 4 से 5 इंचेस का रहेगा। 4 से 5 इंचेस छोड़ करके हम कलर को प्लेस करेंगे, और जब हम उस कलर को निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डार्क से लाइट का कॉम्बिनेशन आएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम ओम्ब्रियाज का कोई भी लुक क्रिएट करने वाले हैं, टॉप इज डार्क एंड मिड लेंथ इज एंड लाइट रहेगा। राइट नजीब सर? और एक बात और देखिए, जैसे अनुज ने अभी एक्सप्लेन किया, तो अगर ये पार्ट डार्क है और अगर थोड़ा सा उसमें मूवमेंट रहेगा तो नीचे का कलर जो है वो ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, एक तो वो डार्क है, दूसरा क्या है कि वो हल्का सा उसके अंदर मूवमेंट है, तो मूवमेंट कलर को और ज्यादा इन्हांस करेगा। राइट, अच्छा अभी इसके बाद जो दूसरा सेक्शन हम लोग ले रहे हैं उसको हम थोड़ा हम उठाएंगे, हाई प्रोजेक्शन में लेंगे। इट इज नॉट लेयर्स बट हाई प्रोजेक्शन में है। जो भी मेरा यहाँ फर्स्ट मैंने पेरीमीटर लाइन बनाया है, गाइडलाइन बनाया है, उसी के ऊपर ही मैं इसको चारों तरफ से ऐसे उठाऊंगा ऑन हाई प्रोजेक्शन, हाई ग्रेजुएशन, और इसको मैं साथ में सिर्फ उसके मिला रहा हूँ। अच्छा, इधर आप देख सकते हो कि क्या कर रहा हूँ मैं। दिस इज वेरी इजी, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन नोज व्हाट टू डू। ये है हमारा 2016 नंबर का टोंग, सबसे छोटा वाला टोंग है ये। ओके, इसके बाद वाला टोंग जो एकदम इससे भी छोटा है, तो ये टोंग से हम ट्विस्ट टेक्निक से कर्ल्स बना रहे हैं। ओके, अब जो हम कर्ल्स बना रहे हैं हल्का सा उसमें स्प्रे कर रहे हैं, और जो स्प्रे आप नॉर्मली करते हो, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है वो आप करते हो ऐसे। ओके, तो दिस इज नॉट द टेक्निक ऑफ स्प्रे, दिस इज द टेक्निक ऑफ स्प्रे। ओके, शॉर्ट स्प्रे, तो शॉर्ट स्प्रे से आपको स्प्रे करना है दूर से। स्प्रे का मिक्स मिस्ट गिरना चाहिए बालों में, और स्प्रे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए एक जगह पर। अगर एक जगह पर होगा तो आपका स्टाइल, अगर आपको ओपन करके कुछ करना होगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो स्मॉल चेंजेस इन योर वर्क, छोटी छोटी चेंजेस अगर आप अपने कामों में करते हैं तो आपका काम और दिन भर दिन और अच्छा और बढ़िया और फिनेस और फाइन होगा। ओके, यस नजीब। तो बैक में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली मैंने काटा है डायगनल बैक लेकर, तो इसको जैसे मैं क्रॉस चेक हर सेक्शन कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन भी मैं क्रॉस चेक करके वर्टिकल काट रहा हूँ। तो जहां पे भी कुछ मैं मुझसे छूट गया है या कुछ रह गया है अपने आप ही, तो वो इसके साथ में चल जाएगा। नहीं इधर नहीं चाहिए, बिकॉज अगर चेकिंग में कोई चीज रह जाती है और अगर वापस से जाके क्लाइंट जो है जब कहीं गया हुआ होता है या घर पे ही उसकी सिस्टर बोलती है अरे ये स्ट्रैंड रह गया तुम्हारा, तो क्लाइंट, वो क्लाइंट क्या सोचता है, नजीब का आजकल ध्यान नहीं है काम में, एंड इट इज जस्ट कि मैंने खाली उसको क्रॉस चेक नहीं किया है बस, एंड सी हाउ यू लूज योर क्लाइंट, यू नो, सो जस्ट लाइक दैट्स व्हाई। यस अनुज? यस। सो गाइस, सो माय लास्ट सेक्शन इज मनी पीस सेक्शन, जो हमने एक छोटा सा ट्राइंगल निकाला है फ्रंट में। मनी पीस की अगर बात करें तो इंडिया में मनी पीस एक नाम देने वाला भी गोदरेज प्रोफेशनल है। ये हमारी वन ऑफ द कलेक्शन थी जो हमने ओम्ब्रियाज से पहले इंडिया में लॉन्च करी, विच इज कॉल्ड अ मनी पीस कलेक्शन। तो उसमें भी हमने 3 अलग अलग लुक्स को लॉन्च किया। राइट, तो मनी पीस जब भी हम कलरिंग करते हैं तो एक फेस फ्रेमिंग होता है, बट यहाँ पर भी हम मनी पीस में फॉइल प्लेस कर रहे हैं, बट यहाँ टारगेट मनी पीस को इनहेंस करना नहीं है। अगर यहाँ पर हम मनी पीस को इनहेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ओम्ब्रियाज को हाइड करने वाले हैं, तो इट्स नॉट शुड बी टू ब्रॉड।
ओके, ताकि मेरा पूरा ध्यान, देखने वाले का पूरा ध्यान मनी पीस पर ही जाए। या हम फॉइल प्लेस करेंगे बट ओनली टू फॉइल्स, और वो भी बेबी लाइट्स के साथ, यू नो बेबी लाइट्स मतलब बहुत फाइन फाइन वीविंग, बैक टू बैक टू फॉइल्स लगा सकते हैं अवे फ्रॉम द रूट्स, 1 से 2 इंच रूट छोड़ करके आप कलर करेंगे। अगर उसी जगह हम से मनी पीस में 3 से 4 फॉइल लगाते हैं तो वही सेक्शन मेरा ब्रॉड हो जाएगा, और ब्रॉड होने के कारण जब भी मैं कलर टोनिंग करूंगा, वॉश ड्राई करके स्टाइल करूंगा, तो मैक्सिमम जो देखने वाले का ध्यान जाएगा कलर पे वो मनी पीस पर जाएगा। ओके, बट यहाँ हम किस पे फोकस करने वाले हैं? ओम्ब्रेज पर, राइट सर? बिल्कुल। सो दिस इज माई लास्ट सेक्शन, और अगर आप देखोगे कि दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, मैंने थोड़ा सा मोटा करके सेक्शन लिया है बिकॉज आई थॉट ऊपर में काफी ज्यादा फ्लैटनेस था, इसको मैं हाफ कर रहा हूं। ओके, और हाफ करने के बाद इसका जो रेफरेंस पॉइंट है बीच में से, वो मैं गाइडलाइन बनाऊंगा अभी। तो आप देखिएगा, बैक का सेक्शन मैंने आइसोलेट कर दिया है, अलग कर दिया है अभी, और इसको मैं अभी ऊपर में यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है कि ऊपर में, बिकॉज यू नो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वन लेंग, तो आप इसको सिर्फ नीचे लाके ऐसे देख सकते हो, ऑक्सीपिटल बोन से नीचे कर सकते हो आप, या थोड़ा और नीचे कर सकते हो अगर बाल ज्यादा वेवी है। तो जितना ज्यादा वेव है ऊपर वाला, उतना ही थोड़ा लंबा रखना है आपने, और जितना कम वेव है तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूं, जितना आप शॉर्ट करोगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऊपर क्रिएट होगा। सो इफ यू वॉन्ट मोर वॉल्यूम, तो आप ऊपर का ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा शॉर्ट करके जा सकते हैं। शैलेश, ओके, यहाँ मेरे यहाँ तो आपको बताने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं बोरिंग टोंग कर रहा हूँ। सब लोगों को टोंग करना बोरिंग लगता है ना? लगता है या नहीं? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो अनुज ने मुझे अभी रिसेंटली बताया है। अनुज हमारे जो प्री लाइटनर है, यस शैलेश, वो 10 वॉल्यूम में कितना लेवल लिफ्ट देता है वो बताइए आप। सो वो 10 वॉल्यूम में भी आप उसके साथ एश टोन अचीव कर सकते हैं, पेलेस्ट येलो तक आप जा सकते हैं इजिली। And believe me, हमने जितने भी डायमेंशन के लास्ट ईयर नवंबर लास्ट ईयर हमने डायमेंशन लॉन्च किया और नेपाल से हमने शुरू किया था, हर एक कलेक्शन, हर एक इवेंट में हमने एक मॉडल ऐश का किया है, और एक भी इवेंट में नॉट अ सिंगल मॉडल हमने ऐश का जो भी किया है उसमें 20 वॉल्यूम भी यूज नहीं किया। प्री लाइटनिंग में हमने 10 वॉल्यूम से प्री लाइट किया, और हमने बहुत अच्छा पेलेस येलो विदाउट एनी पैचेस अचीव किया है। तो ये जो चीज़ है ये एकदम यूनिक फीचर है गोदरेज के प्री लाइटनर में, आप सबको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इवन आई डिडंट बिलीव टिल आई वाज इन गोदरेज। अब जाके मैं इधर हूँ तो मैं अभी बिलीव कर रहा हूँ। तो वो मोस्टली हेयर स्टाइलिस्ट का क्वेरी ये होता है कि प्री लाइटनर 10, 7, 9 वॉल्यूम, 8 वॉल्यूम में जाना है तो क्या करना है, 40 वॉल्यूम लगाना है। एब्सोल्युटली ऐसी ज़रूरी बात ये एब्सोल्युटली डजंट होल्ड ट्रू, सो यू कैन ट्राई इट विद 10 वॉल्यूम एंड स्लोली, प्रोसेस स्लो है लेकिन बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, राइट अनुज? एब्सोल्युटली। आई थिंक वी हैव समवन इन द ऑडियंस। यस प्लीज मैम, कैन वी गिव हर अ माइक? प्लीज प्लीज, हाँ, कैन यू गिव अ माइक प्लीज? आई एम द लाइव मॉडल, अभी नहीं मगर कुछ 6 महीने पहले मेरे हेयर में भी ये हुआ था, 10 वॉल्यूम से ही किया था और बहुत अच्छा अचीवमेंट आया था। थैंक यू सो मच मैम, वाओ, इसके लिए इनको गिफ्ट मिलना चाहिए। yes, ने हमारा बात प्रूव करके बताया। आप सबको बता दो, आप पेड मॉडल तो नहीं हो ना हमारे तरफ से? कैन यू कैन वी प्लीज पास द माइक टू द ऑडियंस, एंड कैन वी आल्सो इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ देयर माइक्स, बिकॉज़ देयर आर फ्यू ऑफ देम इन द ऑडियंस हु कांट हियर देम। 10 वॉल्यूम से पहले हेयर कलर किया हो तो हो सकता है, लाइक 4 नंबर या 5 नंबर? मैम एब्सोल्युटली, जब आप प्री लाइटनिंग यूज कर रहे हैं, हमारा बेसिकली हमारे प्री लाइटनर का नाम है ब्रॉन फिक्स, और जो कि नो अमोनिया है, आपका कलर हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ डजंट मैटर, आप 10 वॉल्यूम के साथ आप लाइटनिंग स्टार्ट कीजिए, इजिली आपको लिफ्टिंग मिलेगी।
थैंक यू. सीक्रेट बिहाइंड दैट, सो बेसिकली बहुत सारे प्री लाइटनर मार्केट में, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे अच्छे प्री लाइटनर भी हैं और उसमें से हमने भी कोशिश करी एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को देने के लिए. नो अमोनिया के पीछे रीजन ये था क्योंकि जो हमारा थीम है, अगर हमारे कलर पोर्टफोलियो की भी आप देखेंगे तो हमने नो अमोनिया के साथ ही शुरू किया था और आज भी मैक्सिमम शेड हमारे पास नो अमोनिया है. सो प्री लाइटनर भी हम नो अमोनिया लेकर आए, बट उसके इंग्रीडियंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाल को ड्राई होने नहीं दे रहे और इजिली आपको लिफ्टिंग भी मिल रही है. दैट इज अ लिंसीड ऑयल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके बालों को 1% भी ड्राई या डैमेज नहीं होने देगा. तो हैव यू ओपन द कर्ल्स नाउ? पेलेस्ट येलो 100% यू कैन यू विल अचीव. यू जस्ट अप्लाई द प्रोडक्ट इन 1:2 रेशियो एंड स्टार्ट फॉइलिंग. जब आप टॉप तक जाएंगे तो ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम, आपको टाइम लगने वाला है. आपको लगता है आपका स्पीड तेज है या आपके साथ एक जन आपका असिस्टेंट करने वाला है, तो ऑक्सीपिटल बोन के बाद आप 20 वॉल्यूम स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पीड और दो लोग काम कर रहे हैं. बट अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं और अच्छा खासा डेंस और लेंथी हेयर है तो 10 वॉल्यूम से स्टार्ट कीजिए. जो 20-30 वॉल्यूम करने वाले हैं वही 10 वॉल्यूम भी करेगा. सेम टाइम पीरियड ऑफकोर्स वो टाइम लेगा क्योंकि आपको भी टाइम लगने वाला है, तभी हमने आपको बोला 10 वॉल्यूम से स्टार्ट कीजिए. बाल बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, लेंथ भी कम है, तो स्टार्ट विद द 20 वॉल्यूम. यस ओके. जस्ट आई एम फिनिशिंग माय हेयर कट, तो आप देखिएगा कि ऊपर से हमने ऐसे काटा है जैसे नेचुरल इन्वर्जन है, तो जैसे ही उसको छोड़ा है तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ऊपर से आ रहा है और एक पॉइंट नीचे से आपको मिल रहा है. सो यू जस्ट हैव टू कीप लाइक दैट ओनली. इसको खाली उसको आप क्या करोगे, हल्का सा पॉइंट कट कर दोगे बस लाइक दैट. ठीक है, जहां पे भी 2-3 बारी में जितना भी जहां पे भी आपका ये सेक्शन आया है जस्ट देयर एंड फिनिश. अगर कहीं आ रहा है तो डोंट टेक आउट दैट पॉइंट. सो आई थिंक हम लोगों को हमारे एक्सपर्ट्स ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे. तो अभी आप, अच्छा आपको एक क्वेश्चन पूछना है? मेरा भी एक क्वेश्चन है. सो अच्छा, यू कैन ओनली हैव वन मोर चांस बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस. या तो लास्ट टाइम आपने SBS में जो एश ग्रे कलर का जो yes, yes. क्या था वो अचीव लुक अचीव करने के लिए कौन कौन सा नंबर है, बस वो बता दो. यू रिमेंबर अभी हमारा जो विद अमोनिया वाली फैमिली के एक अंदर है, एक बहुत ही अच्छा शेड अभी ऐड किया जिसका नाम है इरिडिसन ब्लॉन्ड. वी हैव पर्ल ब्लॉन्ड ऑल्सो. तो जब हम पेलेस्ट येलो तक हम प्री लाइटनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद जो टोनिंग करेंगे हम इरिडिसन ब्लॉन्ड से कर सकते हैं. जब पहले हमारे पास इरिडिसन ब्लॉन्ड नहीं था उससे पहले हम पर्ल ब्लॉन्ड प्लस 7.11 10:1 की रेशियो में मिक्स करके वेट हेयर में अप्लाई करते थे, उससे भी आप अचीव कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. पास द माइक हियर. Right now I'm almost done. I'm done. Not almost. Almost not. I'm fully done. I'm just doing some accessorizing in a very unconventional way. Okay, ये अपना छोटा सा क्लिप तो सब जानते हो. Okay, अभी हमने इसको ही accessories के हिसाब से use किया हुआ है. बस she's all ready. Najib. Yeah. Are you ready to roll? Yes, yes, yes. Okay. I'm done. Can we take one last question yes, from yes, the audience? Yes, sure. This is going to be the last question. Please go ahead. Sir, henna coated पे आ सकता है color? कौन सा color ma'am? Light. Ma'am, henna coated को भी वो बाल pre-light करेगा. 100%. But अगर आप बोलेंगे कि henna coated पे ash तक करेगा या blonde तक करेगा, of course, वहाँ तक वो नहीं जाता. वो आपको 7 level तक still achieve कर लेगा, जहाँ पर आप कोई भी red family या copper tone add कर सकते हैं. Good. Okay, so my cut is finished. I'm going backstage, just doing a little blow dry. Just to revise, 4 sections हैं. ऊपर एक अलग section है. पहले जो है हमने fringe के साथ में perimeter line कर लिया है. उसको फिर हमने cross check किया है. ऊपर में natural inversion की तरह काटा है. और बाकी blend कर दिया. Cool. Okay, so this is my model. Thanks a lot. This is what we have done. Open the curls. Yeah. This volume, you know what we did. We did an interesting technique of snatch technique. It gives you nice lift on your face. And then this is just whatever you can use your own creative ways to do whatever. Yeah. Aur ye humne exercise kiya hai. And kuch mila nahi aaj, toh maine isse exercise kiya hai. Theek hai?
Okay, we'll be back. This model will be back. Thank you very much. Thank you so much, Shailesh. And thank you, Anuj. You're going to be... आई वॉन्ट टू एक्चुअली यू नो वी सिंस ये लोगों ने आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी वी विल हैव अ स्मॉल क्विज ओनली टू क्वेश्चन एंड द टू ऑफ देम विल गेट अ प्राइज ऑल्सो सो वेरी क्विकली आई वॉन्टेड टू नो जो आज हम लोगों ने हेयर कलरिंग टेक्निक के बारे में बात की वॉट इज द टेक्निक कॉल्ड रेज योर हैंड्स ओके सो होम डू वी गिव द प्राइज सो So you said? Yeah. Okay, he's saying Omriyaj and Balayaj. Were they both of them? Yes, please. Okay, what's your name, sir? Paritosh. Let's hear it for Paritosh. Okay. I need a sound check. Yeah, okay, great. Hi, so now we have with us Sylvia and Sylvia is going to basically show us how she's going to style this the dummy here, right? Yes, a very quick run through. Can I have my model on stage? Okay. Yes, Karina, that's Karina. Karina, sit. All right, guys. So basically, इसमें भी हमने ऑफ कोर्स कलर किया है हमारे मॉडल पे. We have done an ombreage collection for models. कलर के बारे में आई थिंक अनुज बताएंगे. I'm just run through the technique जो मैंने किया है. Well, अब everybody is a hairdresser, right? Most of us, yeah. And braids सदियों से चला आ रहा है. शायद 15 सेंचुरी से या उससे पहले भी. So right. लेकिन how do we make this? A braid is never going to go out of fashion. हाँ या ना? Thank you. What about this side? हाँ या ना? Yes, that's the energy, guys. वही मुझे चाहिए. So, to make this braid, I have used three techniques in this braiding. A combination of waterfall braid, one. Second, this is a waterfall braid जो मैंने पहले किया है. उसके बाद, I changed the second technique into twisty rope technique, two strand braid, and then I merged it into this. उसके बाद, I did have a classic three strand braid. Yes, which is this side जो मैंने तीन छोटे छोटे सेक्शन में लिया है इसे मैंने अलग क्या किया है थ्री स्टार ब्रेड तो मैंने किया है वाइल आई एम ब्रेडिंग आई एम पिंचिंग द हेयर आउट एंड आई एम स्प्रेइंग द हेयर अगेन आई ब्रेड थ्री टाइम्स पिंच करती हूँ स्प्रेड कंटिन्यू दिस ऑल द वे अराउंड एंड दिस इज जस्ट टू शो व्हाट वी डिड वाटरफॉल ब्रेड व्हाट इज द सेकेंड टेक्निक आई यूज देयर यू गो यस Two strand braid, excellent. Can somebody give? We have a give. Where is our Godrej GB team? Give so that people are answering. Yes, and the second is twisty two strand braid. Uske baad last third one. Exactly. Yeah, she deserves a prize. Three strand braid with pinching technique. So it's not a because to make it more dramatic, make your braids look bigger and more like a dramatic, right? Thoda dum ho. So with the pinching technique. So can somebody give her a gift over here? What's the lady? What's her name, ma'am? Rupali. Thank you, Rupali, for answering. And right. So going back to my technique. Yeah, guys. What I've done for her hair. Meri model ke baal yahan pe Karina naam hai unka. She's very patient. Unka baal thoda fine tha hairline mein. So what I've done, I did very crimping. I don't know camera mein dikhega, but I've done a very soft crimping only on the roots for volume. अगर बाल अगर आपके क्लाइंट का बाल थिक है कोर्स है हैवी है जैसे शैलेश का मॉडल था अगर मैं उसके बाल करती मैं क्रिम्प नहीं करती बिकॉज उसके बाल बहुत घने हैं उसका बाल फाइन था स्पेशली हेयरलाइन पे तो मैंने हल्का सा ओनली 3-4 inches ऑन द रूट्स क्रिम्प कर दिया लेकिन बहुत हल्का हाथ से दबाया नहीं बिकॉज मुझे वो लाइन नहीं दिखना था कैन यू सी इट दिख रहे नहीं ऑलराइट ओके परितोष राइट एंड काशी ऑल द वे फ्रॉम वृंदावन यस सो waterfall braid uske baad double twisting and then we finish with braids so then I've done three braids right and same thing on the other side guys I'm going to quickly just put some accessories and complete it any question over to you Anuj yes so I'm talking about the color as you said yes color please so of course okay, yes sorry. please so what is the name of our collection ombreyad right hey thank you okay Do you have the gifts going around here? And Aaron, what are the colors? Three families of colors. My brother's right here. Thank you for being there. Always love and support me. What are the three names? Any of Ombreyad collection? Sandstone. Yes. And what is the second one? Can we have a gift for Paritosh here? White shirt. There you go. Thank you. Hum mile the kahan pe?
PVI में ना दिल्ली में. He's come all the way from Delhi to attend her to be part of PBI. And you guys have an amazing audience. Aapke liye ek taaliya ho jaye. There you go. Kashi, right? Kashi, well, Sitika, huh? Acha fard. There you guys. Over to you, Anuj. Sorry. Over yes. to you. So guys, same jaise abhi bataya, ombreage mein hum 3 shades hamesha use karte hain. Okay, so roots mein jo rootage kiya humne 5.1 ke sath kiya hai. ताकि बहुत डार्क भी ना लगे. ओके, थोड़ा सा ब्राउन इफेक्ट और एशी इफेक्ट दिखे रूट्स पर. एंड लेंथ पे जो हमने टोनिंग करी है वो ड्राई 100% ड्राई हेयर में अल्टरनेट किया है. पहला सेक्शन हमने लिया लाइट शेड से मोल्टन गोल्ड विद 20 वॉल्यूम. एंड सेकंड सेक्शन जो लिया है हमने कैरामेल से लिया है. कैरामेल के दोनों जो कलर है हमारी कलर प्ले की फैमिली से है उसको भी हमने 20 वॉल्यूम के साथ 1:1 मिक्सिंग रेशियो के साथ अप्लाई किया है 100% ब्लास्ट ड्राई में. पर जब भी हम एश टोन करते हैं तो याद रखिए उसको हम ड्राई हेयर में नहीं करते हैं, उसको हम हमेशा टॉवल ड्राई थोड़े वेट होने चाहिए बाल. बाकी और कोई भी हम जीपी के या गोदरेज प्रोफेशनल के कलर करने वाले टोनिंग में तो 100% ब्लास्ट ड्राई में. यस सेल. ओके ग्रेट. सो गाइस कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द कलर्स वी यूज ऑन माय मॉडल? व्हाट आर द कलर्स वी यूज्ड? 5.1 फॉर रूचार्ज. एक्सीलेंट. Give for home, please. Thank you. What's your name, ma'am? Monisha. Thank you, Monisha, for answering. Monisha, yes. Is the model ready for lineup? We are ready. Almost there. Yeah. So, guys. So there are in all how many colors in ombreage? If you can tell the audiences. Of course, I would love to. How many colors can use? Yeah, the shades which are there. That's a very good question. I like your question. Price to me, please. Yes, why not? So the the beauty of ombreage is we can mix from minimum 2 colors to 3 to 4 to even 5 colors. I have played with 5 colors. It's all about your artistic creation, your visual understanding and what you want to create. जरूरी नहीं आपको पूरा बाल को कलर प्ले ही करना है. एग्जाम्पल रेड पैशन नहीं, आप आपके फॉइल में यू कैन मिक्स कलर डिफरेंट शेड. नोमोनिया फॉर एग्जाम्पल, रूटाज के एग्जाम्पल. If I'm doing a roots, my advice to you as a colorist, keep your roots dark for ombreage. Because ombre is a balayage and ombreage ka mix. Keep the roots dark. So I always like to use colors ranging from 4.26, 5.62 or a 5.1, 5.3. Yeah, absolutely. And then you go in, and then definitely my go-to product when I'm doing ombreage, creating a pop of color my clients, I use our Nomonia pre-lightener. Blonde fix. Yes, I push it up to level. अगर मैं रेड कर रही हूँ लेवल 6 चलेगा. अगर हम सैंडस्टोन कर रहे हैं लेवल 8. अगर आप पर्ल बॉन्ड कर रहे हैं यू हैव टू प्री लाइट टू लेवल 9. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू प्ले. यस सर, आप हंस रहे हो समथिंग. यस वीओ सो वुड लाइक टू लाफ. जो हमसे भी शेयर कीजिए. हाँ एनी वेज ओके. सो ऑन दैट नोट यू कैन वर्क फॉर मिनिमम 2 कलर्स 3, 4, 5 अप टू यू गाइज. You have to create a seamless blend and that's why we have this technique that can work on all hair types. Okay guys? Thank you so yes. much Sylvia for sharing with Pleasure. Us the colors. So, we are all ready for the finale. Yes, great. So are you all excited to see all our models with all the looks that they're going to be carrying on for the Dimension collection? And are you all really excited to meet our celebrity showstopper? So can you all please show some more excitement? Now you guys have won prizes also. Yaar, abhi to excitement banta hai. Yay! And let's hear it for all the hair experts from the Godrej Professional also. Okay, Karina, are you ready to walk the stage for us? All right. Okay, guys. Ladies and gentlemen, presenting Dimension Ombreage Collection by Godrej Professional. Let's hear it for the beautiful colors. Thank you.
Ladies and gentlemen, are we ready? I hear no noise. Are you ready? Do you really want to see her with the gorgeous hair? Do you believe when we tell you that she's right here? Well, let's see. Ladies and gentlemen, she's right here, Sania Malhotra. Fashion, elegance, and beautiful hair by Godrej Professional. Ladies and gentlemen, presenting the diva herself. With the gorgeous Sania Malhotra, ladies and gentlemen, please welcome Sylvia Chen, Brand Ambassador, Godrej Professional. Najeeb Rehman, Brand Ambassador, Godrej Professional. How? Shailesh Mulya, Technical Head, Godrej Professional. Ladies and gentlemen, and Anuj, Regional Manager, Godrej Professional. Let's hear it for the gorgeous, gorgeous Sania Malhotra. The energy she gets, ladies and gentlemen, it's the magic of the color. Godrej Professional. And we also take this opportunity to call the lovely team of Godrej Professional, the entire team. Can we have the entire team on stage? Can we have the entire team of Godrej Professional? Yes, this is your moment to be with the diva, and let's have everybody on stage. Ladies and gentlemen, the party has just started. Enjoy every dimension of dimension with Godrej Professional. We are in booth number 612 for the complete experience. Visit us. Thank you, models. Thank you, Sania. Thank you, our experts. Thank you, wonderful audience. Thank you all.
So Mumbai, that was Team Godrej Professional.